सर नाम क्या है आपका? जयश्री बेन चौटिया। ओके, पहले बताओ कहाँ दर्द है? इधर घूम जाओ, घूम के बताओ। यहाँ दुखे और बस यही दर्द है ना? कंधे पर भी दर्द है, दोनों कंधों में दर्द है। अब घूम जाओ इधर मेरी तरफ। कितना टाइम से दर्द है? 10 साल से। अच्छा, अब मैं इनको जरा चेक करता हूँ। अभी मैं देखता हूँ पैर मेरा। यहाँ मैंने हाथ चुभाया आपको और इधर मैंने हाथ चुभाया। मेरे हाथ की चुभन इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है। स्पाइन बड़ा हुआ है, इसका मतलब है ऐसा नहीं था। अभी हाँ, बैठो। एक चीज बताओ, क्या अच्छा है, कमर या गर्दन? कमर पे। राजकोट वाले को कहते हैं ना, एक एक तो देना ही, सारा ही पूरा पैकेज ही देना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगल लेकर डबल करने के बाद कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए, गर्दन उठाओ ऊपर, नीचे लेके जाओ और नीचे ले जाओ। हाथ दबाओ मेरा ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। इनके शरीर में वायु बहुत है, ये एक्सीडेंटल केस नहीं है, ये वायु का केस है। वायु बहुत अधिक है जिसके कारण कंधे दर्द आ रहे हैं। और जब तक ये वायु की चीज ठीक नहीं करेंगे तब तक इनको पूरा ठीक होना कठिन होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये छोड़ो, ये छोड़ो, टाइट नहीं करना, लूज कर, लूज कर। लूज कर, सीधे बैठ, सीधे। यहाँ बहुत दर्द हुआ ना, क्योंकि आपको इस बाजू में ज्यादा है ना? ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, सीधी बैठो, सीधी बैठो। लूज नहीं करना, मतलब शरीर लूज होगा पर ऐसे खींचना नहीं, बैठना सीधा, बाजू ढीला छोड़ना, ठीक है? ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, हीरो नहीं, बाजू ढीली छोड़ो, खुद सीधी बैठो, ढीला छोड़ो, नहीं ढीला छोड़ दो, ध्यान में नीचे, हाँ मत बाजू को, हाँ मत बाजू को, हाँ नाइस। गर्दन बताओ, एक काम करो, पता गई है आपको, पता पता गई है। हाँ बता 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 बता, अब नहीं हो रहा पक्का? क्या कह रहे हैं, थोड़ा हिंदी बताओ। अभी दर्द नहीं हो रहा, गर्दन अब कमर को नहीं ना, कमर करो, कमर की करो। अच्छा जी, इनकी जीव वाइट है, मतलब इनका डाइजेशन ठीक नहीं है। निकालो, ये वाइट जीव है जो डाइजेशन ठीक नहीं है बोलता है। और ये इनके देखो, यहाँ ये जो कट हो रहा है, ये कट मुझे बोल रहा है कि इनके शरीर में वायु बहुत है, गैस बहुत है, है ना? जब तक गैस ठीक नहीं होगी, आपका दर्द अभी ठीक किया है, शाम तक दर्द ठीक रहेगा और शाम को फिर से आ सकता है, चलेगा? नहीं चलेगा। बताओ ना, बताओ,
ढीला छोड़ दो, हाँ ढीला छोड़ दो और ढीला छोड़ दो और ये हाँ इधर भी ये टाइट है, हल्का ढीला छोड़ दो, बस ढीला छोड़ दो, बस बस सीधे लेटो, दोनों पैर मिलाओ, अभी इनके पैर बराबर है, इनको तकलीफ वहां से नहीं है, ये एड़ी और पंजे और ये सब बराबर है, क्योंकि वायु की तकलीफ होगी तो पैर आगे पीछे होंगे जरूरी नहीं, इनके पैर एड़ी भी और ये दोनों एकदम समान है, फिर भी मैं इधर से करता हूं, सांस लो छोड़ो, 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 बस एक चीज और बताता हूं, ये तलवे देखो, इनके पैर इंटेस्टाइन में खराबी होने का एक ये भी सिम्टम है, जब हम ये दोनों पैर देखते हैं तो ये जो लाइनें आ रही हैं इनके ये सब ठीक है, ये जो एरिया है ये जो दिखाई दे रहा है तो ये जो एरिया है ये इस बात को बताता है कि इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, सेम चीज इनकी जीभ बताती है, जीभ भी सेम चीज बताती है जो पैर बताते हैं, इंडिया छोड़ दो, लेकिन अभी तो इनका कमर दर्द अच्छा हो गया, चलिए खड़े रहो, घूम कराओ उधर, इनकी मेन तकलीफ वायु गैस, और गैस कैसा लगा कमर, मजा में अच्छा, अब क्या बताना चाहेंगे, कब से दर्द हो रहा, कैसा लगा, गुजराती में बोलो चलेगा, अभी बढ़िया है ना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाकी की चीजें नहीं खाना, ढोकला खा लेना चलेगा, तुम्हें नाश्ते में क्या क्या होता है यहाँ, पोहा चलेगा, उपमा चलेगा, थेपला चलेगा, अच्छा रोटी और भाकड़ी, भाकड़ी चलेगा लेकिन कड़ी नहीं चलेगी, तो कड़ी राजमा उड़द की दाल अरबी भिंडी फूल गोभी मटर बैगन और कटहल ये नहीं चलेगी, ये चीजें आपको वायु बनाएगी, रात का खाना जल्दी खाना, लेट मत खाना, तो वो उसके कारण से ये ऐसा रहा है, मुझे लगता है आप भी दिखाना चाह रहे हैं ना, आपको भी देखेंगे, ठीक है, इनके लिए जोर से एक बार ताली बजाओ।